मौसम मॉर्निंग का भाई, क्या मस्त नज़ारा है भाई। सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं सुबह से व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। भाई क्या ठंडा हो रहा है। और हमारे साथ अभी कमलेश। हेलो कमलेश। हेलो इधर तो देख ले फिर ठंडा कैसा हो रहा है? बहुत ज़्यादा ठंडा तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है भाई। मैं तो सब काँप काँप के जा रहा हूँ। तो अभी चलते हैं ऊपर। और आज हम सुबह से है ड्यूटी में, और अभी 7 बजने वाले हैं और धूप भी आने वाली है। अभी मौसम देख सकते हैं आप, साफ है एकदम, लेकिन भाई क्या ठंडा हो रहा है। तो चलो चलते हैं किचन में और फिर मिलते हैं आप लोग को। अभी मैं सीधा मुँह धो के आया हूँ ऊपर को। तो गाइस देख सकते हैं अभी सामने की तरफ पूरा हल्का हल्का कोहरा लगा हुआ है और सभी लोग सोए हुए हैं भाई। सिर्फ हम आए हुए हैं भाई। मेरे तो सर में ऐसी ठंडी लग रही ना, वहाँ कसम। चलता हूँ यार, फटाफट से ऊपर चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग को। हैं किचन में, शायद कब सूट कर पाऊँ। सो भाई किचन में पहुँचने के बाद मैं आटा लगाया और आलू छिले थोड़ा। और अभी आटा लगाने के बाद पूरी के पेड़े काटे जा रहे हैं। और यहाँ पर पूरी भाजी के लिए भाजी तैयार हो चुकी है और ये पोहा तैयार हो चुका है, जो कि इसमें रखा जाएगा ताकि गर्म रहे। तो अभी थोड़ा पेड़े काटने बाकी रह गए हैं और इसमें जो कि है इतने बाकी रह गए हैं, तो इसको काटते हैं, उसके बाद मिलते हैं। अभी नाश्ता में थोड़ा टाइम है, अभी एक घंटा है लगभग, तो इसको काटने के बाद मिलते हैं आप लोग को। सो गाइस अंदर का ऑलमोस्ट काम निपटा चुका मैं। अभी मैं चलता हूँ रेस्टोरेंट में। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बुफे लगा हुआ है। मॉर्निंग में नज़ारा ही कुछ अलग है। और यहाँ पर से देख सकते हैं मौसम मॉर्निंग का भाई, क्या मस्त नज़ारा है भाई। मॉर्निंग में तो अलग ही नज़ारा है। तो यहाँ से चलते भी गेस्ट आना चालू हो गए, हम निकलते हैं यहाँ से बाहर। यहाँ पर देख सकते हैं गेस्ट आना चालू हो गए हैं, तो हम यहाँ से निकलते हैं बाहर और किचन में मिलते हैं आप लोग को। सो गाइस कुछ टाइम से पूरी जाने में और थोड़ा सा मतलब कर रहे हैं, कुछ लोग आए हैं कुछ लोग नहीं आए हैं। तो मैंने यहाँ पर स्टॉक वॉक बना के रखे है और यहाँ पर दाल भी चढ़ा रखी है स्टाफ के लिए दाल भी चढ़ा रखी है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप मसूर की दाल पक रही है भाई। बाहर पे नाश्ता चल रहा है, बाहर पे चल के देखते हैं। अंदर तो नहीं जाएंगे भाई, अंदर हम जाते नहीं हैं खाने के टाइम पर। यहाँ पर सेल्फ सर्विस है, यहाँ पर चल रहा है नाश्ता। और यहाँ पर मौसम देखो भाई, 9 बज चुके हैं और मौसम तो क्या सुहाना मौसम हो रहा है भाई। यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे को तो कैमरे में कुछ दिख ही नहीं रहा, धूप पीछे से मेरे चमक रही है ना, इसलिए सही से नहीं दिख रहा है मेरे को, लेकिन आपको क्लियर दिख रहा होगा। और ये रहा अपना कमलू। तो यार नाश्ता चल रहा है और काफ़ी धूप तो इतनी मस्त लगती है ना भाई, सुबह सुबह मज़ा आ जाता है। और अभी 9 बज चुके हैं, तो फिर अंदर चलते हैं। फिर से ऑर्डर आ चुका है। ऑर्डर क्या मतलब, बुफे है, सेल्फ सर्विस है, तो वही चालू है। हम पूरी बनाएंगे, गरम गरम पूरी। यार सुबह सुबह खाने में अच्छा लगता है, लेकिन सुबह सुबह यार नाश्ता मुझसे तो हो नहीं पाता है भाई। यहाँ आके तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। अब 11 बजे से पहले नाश्ता होता ही नहीं है, तो हम भी नाश्ता करेंगे 11 बजे चाहते टाइम में। 11 बजे जाऊँगा मैं, फिर वापस आऊँगा थोड़ा देर में, मतलब नहा धो के आऊँगा। अभी तो ऐसे ही आया हूँ, मुँह धो के ब्रश व्रश करके, और फिर नहा धो के आएगा, फिर जाके कंटिन्यू करेगा। तो अभी चलते हैं वापस अंदर, फिर मिलते हैं आपको। सो गाइस हम आ चुके हैं नाश्ता वास्ता करके नीचे को, और 11 बज चुका है। 11 बजे आज हम व्लॉग की शुरुआत नहीं कर रहे हैं, व्लॉग का आधा हो चुका है आज। और मैं और कमलेश आ चुके हैं नीचे को, और काफ़ी तेज़ धूप है यार, मतलब तेज़ धूप नहीं बोल सकते उसको, मतलब अच्छी लग रही है ना शरीर, धूप सेकने को मन कर रहा है। मैं मन तो ऐसा कर रहा है कि धूप में कम्बल ओढ़ के सो जाऊँ मैं, क्योंकि भाई सर्दी जुकाम ठीक हो ही नहीं रहा है। कमलेश को भी हो रहा है हल्का फुल्का, मेरे को भी हो रहा है। तो अभी चलते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। मैं तो सो जाने वाला हूँ, कोई उठा के ले गया तो ठीक है, नहीं तो मैं सोए रहने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपको शाम के टाइम में, और अभी हम रेस्ट कर लेते हैं यार, तब तक मुंह पे धूप लग रही है, क्योंकि और दिन हम यहाँ से इधर को आते आते व्लॉग शूट करते थे, और आज हम इधर को जाते जाते व्लॉग शूट कर रहे हैं, इसलिए मुँह पर धूप लग रही है। तो हम मिलते हैं आपको शाम के टाइम में, जल्दी जल्दी नहीं, बहुत देर में।
So guys, अभी हम किचन में पहुंच चुके हैं और अभी हम बना रहे हैं वेज भुना की तैयारी कर रहे हैं। मैंने धर्मेंद्र ने मिक्स वेज चॉप कर दिया है और मैं अभी मसाले मिला के ये भुना बनाने की तैयारी कर रहा हूँ, जो कि इनका ऑर्डर है बुफे में। तो अभी भुना वुना तैयार करते हैं, फिर जब ऑर्डर तैयार होंगे तो उसके बाद दिखाएंगे आप लोग को, फिर मिलते हैं आप लोग को थोड़ी देर में। तो गाइस, अभी सारा खाना वाना तैयार हो चुका है और यहाँ पर ये तैयार हो चुका है वेज भुना पूरा खुल जाए यार, क्यों बेइज्जती कर आ रहा है। तो ये वेज भुना तैयार हो चुका है, इसको बंद कर देते हैं। और ये है पनीर लबाबदार, इसको भी बंद कर देते हैं। और इधर जीरा राइस तैयार हो चुका है और इधर दाल, नहीं तुमको नहीं दिखाने वाला मैं, और इधर दाल तैयार हो चुका है और सूप नीचे रखा है। तो अभी ये हमारा मंगेश भैया क्या इलेक्शन में खड़े हो रहे हो क्या? और ये हमारे काले भाई, खाना बनने के बाद आ रहे भाई, ये जब बन रहा था कोई एक भी नहीं दिखाता है इधर। और ये क्या है? लेमन बेल। तो ये पनीर लबाबदार का पनीर है, थोड़ा सा मैश कर रखा है क्योंकि भाई खाली पनीर ही पनीर देना अच्छा नहीं होता, थोड़ा मैश करके भी डालेंगे। और यहाँ पर आज मैदे की रोटी है, जो कि अभी हमारे पंकज शेफ मारेंगे रोटियाँ। और धर्मेंद्र ने पेड़े लगा रखे, कितने होंगे? 80 150 पेड़े, 150 ये 150 के आसपास पेड़े हैं। और 150 प्लस 150 रोटियां हैं और भट्टियां भी तैयार हो रही है। तो उसके बाद जब भी रोटियां बनेंगे तभी दिखाएंगे आप लोग को। पंकज शेफ जो ये हमारे पंकज शेफ है, पंकज शेफ की स्पीड दिखाएंगे। भट्टी यहाँ पर गर्म हो रही है एकदम, और भट्टी में भाई गलती से भी फोन चला गया ना तो ख़त्म हो जाना है। तो अभी जब भी खाना जाएगा तभी मिलते हैं आप लोग को। हमारे पंकज शेफ रोटी मारेंगे ना, कितनी स्पीड है इनके पास आज देखते हैं। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनू जरा जिस्म का शौक नहीं दिल दीवा। सुबह अभी 11 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं, आज हम दूसरे रास्ते से आ रहे हैं इधर वाले से। तो अभी चलते हैं यार, काफी ज्यादा काम था तो अभी निकलते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा, मैंने कल वाली भी पोस्ट नहीं करी है भाई, एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिला, कल तो भाई काम ही करने में थे, आज की तैयारी और आज भी काम ही करने में थे। तो अभी चलते हैं और दोनों वीडियो एडिट करता हूँ, एक कल डालूँगा परसों डालूँगा, अब क्या ही करूँ एक एक दिन ज़्यादा ही लेट हो गया। तो चलते अभी और आपको मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये व्लॉग में कमेंट करिए कैसा लगा आपको, हम मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस, एंड बाय बाय, गुड नाइट, पीस आउट।